हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। तो मैंने परचेस किया है ट्राइपॉड विद रिंग लाइट। इसे कैसे यूज़ करना है और इससे आप वीडियो की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे आप आपकी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ये है रिंग लाइट और ये ट्राइपॉड के साथ ही आया है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है 635 रुपीज़ में, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स को मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें मल्टी कलर लाइट्स हैं, तो 3 टाइप के लाइट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ये 26 सेंटीमीटर है, मीन्स 10 इंच का है ये। और यहाँ पर ये इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है HX260। अब इसको हम निकालते हैं रिंग लाइट को, तो कुछ इस तरह का ये रिंग लाइट है। और ये जो रिंग लाइट है वो 7 फिट ट्राइपॉड के साथ आया हुआ है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी विद 3 डिफरेंट लाइट। और यहाँ पर ये पावर ऑन ऑफ की बटन्स दी हुई हैं, इसमें आप लाइट चेंज भी कर सकते हैं और प्लस माइनस में आप यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर ये A-टाइप कनेक्टर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे मोबाइल चार्जर या फिर बैटरी बैंक के साथ भी कनेक्ट करके इसे ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह का ये माउंटिंग पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें आपको ट्राइपॉड के साथ ऐड करना है और फिर रिंग लाइट को ऑन करना है। और यहाँ पे ये एक्सेसरीज मिली है, तो यहाँ पे आप ये देखिए मोबाइल होल्डर है इसमें, तो इसे आपको कनेक्ट करना है रिंग लाइट में ही, और इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें मोबाइल को यहाँ पर आप लगा सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही में ये एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, अगर आपको रिंग लाइट के साथ वीडियो नहीं बनानी है तो आप इसे इस तरह से भी लगा करके वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और साथ ही में यहाँ पर ये माउंटिंग एडाप्टर भी दिया हुआ है, इसे रिंग लाइट में आपको लगाना है माउंटिंग पॉइंट के अंदर, और इसे आप यहाँ पर 360 डिग्री या रोटेट भी हो जाएगा, जिस भी एंगल पर आपको वीडियो बनाना है मोबाइल रख के वहाँ पर आप ये बना सकते हैं वीडियो। तो इस तरह से ये मूव होता है। तो ये सारी एसेसरीज इसी के साथ में आई है और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। तो इसका यूज़ आप वीडियो बनाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर इनसाइड आउटसाइड फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी हो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बैटरी बैंक। अब इस कनेक्टर को हम इसमें लगाते हैं, और अब मैं आपको ये रिंग लाइट ऑन करके दिखाती हूँ कि इसके कैसे इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसको टर्न कर रही हूँ, तो अभी आप यहाँ पर देखिए, तो इसमें 3 लाइट इफ़ेक्ट्स है, जैसा मैंने आपको बताया था, वाइट, कोल्ड और वार्म। तो यहाँ पर देखिए ये वाइट है, अभी मैं आपको यहाँ पर लाइट चेंज करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना डिफरेंस आता है। अभी हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए वार्म लाइट हो गया, इसमें पूरा येलो इफ़ेक्ट आ रहा है, येलो टाइप का। तो इस तरह से आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह के ये लाइट है, और इसकी इंटेंसिटी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए है तो आप इसे यहाँ पर देखिए मैं बढ़ा रही हूँ इसे प्लस से, और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा माइनस कर रही हूँ, तो ये लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इससे क्वालिटी भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी और वीडियो भी बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि कभी कभी होता है रेनी सीज़न हो या फिर ऐसे कुछ हो जहाँ पर लाइट कम आ रहा है, या फिर घर के अंदर जब हम वीडियो बना रहे हैं तो लाइट बहुत कम होता है, तो हम इसका यूज़ करके अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये चार्जर है, तो अब मैं आपको इससे भी कनेक्ट करके दिखा रही हूँ। तो आप इसको डायरेक्टली लगा करके भी वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको चार्ज नहीं करना है, और डायरेक्ट बैटरी बैंक का भी यूज़ करके आप यहाँ पे कहीं पर भी रख करके इसे आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है, आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। अब इसे हम रखते हैं अलग, और अब मैं यहाँ पर लेती हूँ ट्राईपॉड। अब ट्राईपॉड भी हम देख लेते हैं ये किस तरह का मुझे मिला है। तो यहाँ मैं इसे ओपन कर रही हूँ, और ये करीब 7 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है, तो आप ये काफ़ी हाइट पे रखकर भी इसे बना सकते हैं वीडियो। और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करने के लिए ये डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं, तो इसे आप थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो यहाँ से इसकी हाइट यहाँ से बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरह से आपको ओपन करना है ये ट्राईपॉड को। तो यहाँ पर अब मैं इसे टेबल पर रख के दिखा रही हूँ, तो देखिए इसकी हाइट इतनी है, और इसे आपको एक्सटेंड करना हो तो आप यहाँ पर, हमें इसे टेबल थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे नीचे रख के आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए एक और पॉइंट दिया है, यहाँ से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये और इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो ये करीब यहाँ पर 6.5 से 7 फीट तक इसकी हाइट हो जाएगी।
तो इतने हाइट पे रखकर भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए ये लगभग इतना है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अभी ट्राइपॉड की बात हो गई। अब यहाँ पर आपको अगर रिंग लाइट फिट करना हो तो ये अडेप्टर है, इसको आपको इस तरह से लगाना है, इसके अंदर इसको अच्छे से फिक्स करना है आपको इसमें, और इसके बाद इसके ऊपर हमें रिंग लाइट लगाना है। तो ये 360 डिग्री मूव हो जाता है जैसे मैंने बताया था, तो इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे रिंग लाइट, और इस माउंटिंग पॉइंट को आपको इससे कनेक्ट करना है और इसको रोटेट करना है और अच्छे से फिक्स करना है टाइट। अब यहाँ से इसको हम कर देते हैं टाइट। तो ये फिक्स हो गया हमारा रिंग लाइट, और इसको अब हम टर्न करते हैं और इसका लाइट इफेक्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको नीचे डाउन करके भी आप वीडियो बना सकते हैं। अब ये बैटरी बैंक से मैं वापस कनेक्ट कर रही हूँ और इसे ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पहले और अभी में कितना डिफरेंस है, मतलब पहले आपने देखा होगा लाइट पे बहुत कम आ रहा था और अभी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 इफेक्ट्स हैं। और यहाँ पर ये मोबाइल होल्डर है, इसे इस तरह से कनेक्ट करना होता है इसके अंदर, तो इसे आप स्ट्रेट रखकर भी वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में मोबाइल लगाना है तो वो इस तरह से डाउन हो जाता है। तो ये मेरे पास मोबाइल है और इसे अब हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का ये रहेगा, और अगर आपको देखिए इस तरह से नीचे की तरफ में आपको मोबाइल में वीडियो बनाना है तो यहाँ पे आप इस मोबाइल होल्डर को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं वापस से बैटरी बैंक में कनेक्ट कर रही हूँ, और वापस हम देख लेते हैं लाइट के इफ़ेक्ट्स कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो ये देखिए ऐसे बन जाएगा आपका वीडियो, और इसकी वीडियो क्वालिटी भी आपकी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। अगर लाइट बहुत कम है तो आप यहाँ पर रिंग लाइट को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ईजीली। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है, तो आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ और अडेप्टर दिए हुए हैं मोबाइल को होल्ड करने के लिए। अगर आपको रिंग लाइट के साथ वीडियो नहीं बनानी है, आपका लाइट अच्छा आ रहा है, तो आपको इस तरह से कनेक्ट करके और फिर आप यहाँ पर मोबाइल को लगा सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। और इसे भी आप रोटेट कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट रखना है या फिर आपको डाउन में रखना है मोबाइल, तो इस तरह से आप इसको सेट करके रख सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारा वीडियो मैंने दिन में ही रिकॉर्ड किया था, तो आप यहाँ पे लाइट की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लाइट था रूम में, तो वीडियो भी अच्छा आ रहा है। और इस रिंग लाइट को परचेस करने का रीज़न ये था, ये पुराना ट्राइपॉड आप देख रहे हैं जिसमें मैं वीडियो बनाती थी, और इसकी हालत आप देख ही रहे हैं, तो ये हर जगह से लूज़ हो गया है, इसमें मोबाइल भी बहुत अच्छे से होल्ड नहीं होता था, और ये देखिए काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो मुझे नया परचेस करना था, इसीलिए मैंने रिंग लाइट विद ट्राइपॉड परचेस किया है। और इससे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं बताती हूँ आपको उसकी क्वालिटी कैसी आई है, जिसे मैंने नाइट में ही शूट किया था। तो यहाँ पे आप ये वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं, मेरा कुकिंग चैनल है तो मैं यहाँ पर इस तरह से अपना वीडियो शूट करती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।